हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बरहो गांव के पास निगम की बस और कार की जोरदार टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। एक गंभीर घायल युवक को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जबकि शेष 2 को मामूली चोटें पहुंची हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बस चालक और कार सवारों का मेडिकल करवा लिया है। बुधवार देर रात करीब 11 बजे निगम की बस जलंधर से मनाली जा रही थी। बरोहा गांव के पास हमीरपुर की ओर से सामने से आ रही एक कार बस से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार अंकुश 22 वर्षीय पुत्र पवन कुमार शर्मा निवासी मुलाना की टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कार चालक हंसराज पुत्र मानचंद निवासी मोही और प्यारचंद 33 वर्षीय निवासी गांव मुलाना को मामूली चोटें पहुंची हैं। दूसरी ओर बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। टक्कर के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए करीब 2 घंटे तक की देरी हुई। हमीरपुर बस डिपो से इस बस की जगह निगम प्रबंधन को दूसरी बस भेजनी पड़ी। छानबीन और दूसरी बस के आने तक बस में सवार यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि बरोहा के पास बुधवार देर रात HRTC बस और कार के बीच टक्कर हो गई है। कार में 2 सवार और 1 चालक सहित 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस इस दुर्घटना के कारणों की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। सदर पुलिस थाना हमीरपुर द्वारा दोनों वाहनों की टक्कर का मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। पिछले रात को एक सरकारी बस और एक कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इसमें केस दर्ज करके आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है आई हैं। बाकी उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है MSC की MSC रिपोर्ट आएगी, उससे सारी जानकारी प्राप्त होगी और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं।